फोर्स निकलता है और वो वाइब्रेट कर रहे हैं और हम आवाज़ निकालते हैं। तो दैट मीन्स लैरेंकस इन ह्यूमन्स, लैरेंकस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइसेस। इन मेल्स द लैर दीज वोकल कार्ड्स दे आर वेरी थिक, ड्यू टू विच आवर वॉइस इज वेरी थिक, आवर वॉइस इज डीप। एंड अगर हम वुमन की बात करेंगे, जहाँ पे वोकल कार्ड्स थिन होते हैं वहाँ पे हर्श साउंड निकलती है। तो थिकनेस ऑफ द वोकल कार्ड्स मैटर करती है, ये जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी ह्यूमन्स में। नेक्स्ट, क्या अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय अदर एनिमल्स, क्योंकि इंसान ही सिर्फ साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम डॉग्स की बात करेंगे, वहाँ पे काउज की बात करेंगे, वहाँ पे भी जो विंड पाइप के ऊपर एक वॉइस या इसको आप बोलेंगे एक बक्स जो है लैरेंक्स टाइप, लेकिन वो लैरेंक्स नहीं है, लैरेंक्स टाइप वोकल कार्ड्स मान लो, वोकल कार्ड से रेस्पॉन्सिबल है वहाँ भी। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स में सेरेंक्स होता है। यहाँ पे एक बर्ड्स में अगर आपने मुर्गी में देखा होगा, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है सेरेंक्स, उसी की सेरेंक्स की वजह से जो है वो बर्ड्स चिरपिंग करते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, इंसेक्ट्स जो है अपनी विंग्स को बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, या अपने लेग्स को भी कभी कभी कोई कोई इंसेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और डिफरेंट किस्म की आवाज निकल आती है विंग्स की मदद। अगर हम फ्रॉग्स को देखेंगे, फ्रॉग्स जो है अपनी आवाज निकालते हैं वो अपने वोकल सैक्स की मदद, वो बैलून लाइक वोकल सैक्स उसको होते हैं, वो उन्हीं वोकल सैक्स की वजह से जो है आवाज निकल आती है उनकी। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे, साउंड की स्पीड क्या है, अगर हम आयर में देखेंगे, आयर में यूजुअली जनरली जो है एट 25 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही अहम होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसमें जो है इलास्टिसिटी और डेंसिटी मैटर करती है। डेंसिटी एक चीज़ की डेंसिटी कितनी है तो वो मैटर करती है। 330 मीटर्स पर सेकंड, दैट मीन्स आयर में जो ट्रैवल करती है आवाज़ वो 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तेज़ भागती है लाइट, ये आयर में साउंड भागती है। अगर हम वाटर की बात करेंगे, वहाँ पे 1500 मीटर तेज़ भागती है। तो आयर के मुकाबले में वाटर में ज़्यादा तेज़ जो है ये साउंड भागती है ज़्यादा, दैट मीन ज़्यादा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आयर में, तो 303 मीटर जो है हमारी साउंड ट्रैवल कर सकती है। वाटर में साउंड जो है वो 1500 मीटर के हिसाब से तेज़ भागती है। तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, अगर दैट मीन्स लिक्विड में ज़्यादा है और उससे ज़्यादा सॉलिड में है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट साउंड जो है वो सॉलिड में रहती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा स्पीड क्या है, अल्मोनियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 6420 मीटर्स पर सेकंड। इसीलिए हम जो है टेलीफोन की मदद से, जो वायरस की मदद से यहाँ से अमेरिका तक बात कर सकते हैं। तो अल्मोनियम की वजह से जो है अल्मोनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 6420 मीटर्स तेज़ भागती है। आयरन में 5950 मीटर पर सेकंड। वाटर में वाटर दो किस्म का होता है, एक खारेदार पानी जो समंदर का पानी है, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है तब ज़्यादा तेज़ भागती है ये साउंड, दैट मीन्स 1531 मीटर पर सेकंड। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे, वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, वहाँ पे 1400 के आसपास होती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से लाइट जो है तेज़ चलती है। ऑक्सीजन की बात करेंगे या आयर की, डायरेक्टली बात करेंगे आयर की, जो 346 मीटर्स जो है वो नॉर्मल आयर में जो है ट्रैवल करती है, 346 याद रखो आयर में। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये एक्चुअली डिपेंड करती है, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक वेवलेंथ इनटू जो है फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है क्या, पहले हम बात करेंगे इसकी प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है, ये साउंड वेव जो है ये प्रोपगेट कर रही है, इसको ज़रूरत लगता है मीडियम, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों मीडियम ज़रूरत लगते हैं साउंड को ट्रैवल करने में। अगर मीडियम बीच में प्रेजेंट नहीं होगा
तब साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, दैट मीन्स साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे ट्रैवल साउंड नहीं कर रही कर सकती है। तो दैट इज़ वाई द साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो ये मीडियम आयर भी हो सकता है, दैट मीन्स गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड चीज सबस्टेंस हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। तो ये साउंड जो है मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर। इसलिए जब अगर साइंटिस्ट लोग अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वो आपको माइक्रोफोन के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप अपने दूसरे फ्रेंड के साथ माइक्रोफोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्यों, अगर आप नज़दीक भी होंगे मून पे आपस में आप सुन नहीं पाएंगे एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है आपको जो कम्युनिकेट करवाएगा। अगर मैं किसी दूसरे इंसान से बात करूँगा तो उस इंसान और मेरे दरमियान आयर है, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हमारे दरमियान आयर होगा तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, सॉलिड होगा लिक्विड होगा कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा, बीच में आयर भी नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तब हम कम्युनिकेट, क्योंकि ये जो साउंड है ये दूसरे के पास नहीं जा सकती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट साउंड। नेक्स्ट वी विल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द अनदर दीज टॉपिक्स ऑफ द साउंड।